शेयर कर ली। अदरवाइज आपको इस एप्लीकेशन के लाइव जाते हुए कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं। तो पहली चीज ये है, और दूसरी चीज ये है कि आपको अपने वॉलेट्स के अंदर, स्टेकिंग के वॉलेट्स के अंदर अपना BFIC थोड़ा सा गैस फीस के लिए मैं रिकमेंड ये करूंगा, कोशिश करें कि जब कोई स्टेकिंग करने के लिए आ रहा है, किसी ने 10 कॉइन स्टेक करने हैं, 20 कॉइन स्टेक करने हैं, जितने भी कॉइन स्टेक करने हैं उसे जो है वो गैस फीस के लिए उसके पास कोई एक या आधा BFIC जरूर रखवाएं, 0.5 जरूर रखवाएं। हालांकि इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो 0.01, 0.02 टाइप की कोई क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट इसकी रहेगी। डिपेंड कर रहा होता है कि उस वक्त लोड कितना आता है, इसको भी फिक्स नहीं किया जा सकता। ये गैस फीस ऐसी चीज होती है, आप इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी इथेरियम में ले लीजिए कि अभी तक ये सिचुएशन रहती है। अभी आप किसी को $100 ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे तो आपकी फीस शायद $100 से भी ज्यादा लग रही हो, या $30-40 के करीब फीस लग रही होती है, क्योंकि जो है वो आप समझ लें कि जो ब्लॉकचेन पे ट्रैफिक है, जिस तरह आप ऊबर क्रीम यूज करते हैं तो आपको एक पीक आवर्स के अंदर जो है वो सरचार्ज लगता है, तो इस तरह ब्लॉकचेन के ऊपर भी होता है कि जब आपके पीक आवर्स है या आपकी एकदम ट्रांजेक्शन होती है, आपके हजारों अकाउंट्स या लाखों लोग आपकी साइट के ऊपर ट्रांजैक्शंस करने लगते हैं, तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो गैस फीस जो है वो आपको उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो इसलिए इस एहतियात के तकाजे के लिए मैंने कहा कि जब आप गैस फीस रखवा रहे हैं, कोशिश करेंगे कोई 0.5 या एक BFIC रखवा दें ताकि कोई ऐसा चैलेंज ना आए। और अगर ज्यादा रखा भी रहेगा तो अल्टीमेटली आपकी ट्रांजैक्शंस के काम आएगा। अगर आपने पहली ट्रांजैक्शन तो कर ली, उसके बाद आपको जब विड्रॉल करना है तो आपको गैस फीस रिक्वायर्ड है, किसी को सेंड करने हैं गैस फीस रिक्वायर्ड है, तो वो इस्तेमाल हो जाएगी, वो कहीं जाती नहीं आपकी। दूसरी बात यह है कि जो आपका पहला जब आप साइन अप करेंगे उसके लिए आपको गैस फीस रिक्वायर्ड नहीं है। ये भी अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात थी, आपके इल्म होनी चाहिए कि जब आप साइन अप करेंगे, जो फ्री में साइन अप है, जब आप करेंगे या स्टेकिंग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, आप ये कह रहे हैं, तो जब आप स्टेकिंग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, वॉलेट तो आप बना चुके हैं, स्टेकिंग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो आपको गैस फीस नहीं लगेगी, और वो गैस फीस एक्चुअली सिस्टम में लगेगी क्योंकि ब्लॉकचेन ने आपको एक कॉइन देना है, लेकिन वो गैस फीस कंपनी पे कर रही है। आप इसको और आसान लफ्जों में समझ लें तो वो जो पहला कॉइन आपको मिलेगा, जो फ्री में मिल रहा है, जो आपका स्टेक्ड हो रहा है, उसकी जो स्टेकिंग की कॉस्ट है वो कंपनी पे करती है, वो यूजर को पे नहीं करनी। तो अगर किसी के पास फंड्स नहीं भी हो उस वॉलेट के अंदर, तो वो पहला कॉइन उसको मिल जाएगा और उसका स्टेक भी हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात थी कि जिसके लिए नॉर्मली होता ही है कि अगर इस तरह का हो तो फिर यूजर को कम से कम गैस फीस डालनी पड़ती है, चाहे फ्री टोकन भी मिल रहा हो। तो यहाँ पर ये है कि आपको जो फ्री टोकन मिल रहा है और एक्चुअली वो ब्लॉकचेन पे मिल रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वरना डिजिट्स भी दिखाए जाते हैं, लोग नॉर्मली डिजिट दिखा देते हैं, तब गैस फीस का कॉन्सेप्ट नहीं। तो ये रियल कॉइन है, ये आपका जो है वो स्टेक होगा, इसलिए जिसकी गैस फीस है वो कंपनी पे कर देगी पहले कॉइन के लिए। और उसके अलावा जो मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा था वो ये था कि अभी जब आपके पास इसका जो अभी लॉन्चिंग होगी, ये आपके पास जब एप्लीकेशन आएगी तो आपने इस एप्लीकेशन को एक यानी पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है। उस एप्लीकेशन के अंदर उसके जो फीचर्स अवेलेबल हैं, अभी इसका जो है वो आप कह सकते हैं, मैं अगर कहना चाहूँ, मुझे फंक्शनैलिटी में पूरा कॉन्फिडेंस है, आई एम कॉन्फिडेंट कि इसकी फंक्शनैलिटी जो है, जो फीचर हमारे पास अवेलेबल होंगे, दे विल वर्क परफेक्टली, और मुझे इसका 100% यकीन है। छोटा सा मार्जिन रखना हो तो मैं 99.9% कर सकता हूं, लेकिन मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो हमें बेहतरीन मिलेगी। स्टेकिंग के प्रोसेस से लेके अपनी माइनिंग स्टेकिंग रिवॉर्ड ऑन करने तक, उसको डे माइनिंग, नाइट माइनिंग तक, और उसको जो है वो किसी को रेफर करने तक, उसकी प्लेसमेंट तक, उसका डायरेक्ट रिवॉर्ड जनरेट होने तक, उसकी स्टेकिंग तक, और आपका जो है वो बाइनरी रिवॉर्ड बनने तक, आपका जो है वो ग्लोबल ट्री की प्लेसमेंट और उसका रिवॉर्ड बनने तक, और आपका जो है वो लेवल्स रिवॉर्ड बनने तक, और फिर आपका विड्रॉल का प्रोसेस। विड्रॉल में मैंने बताया 5% की फीस लगेगी। अगर आप 10 कॉइन विड्रॉ कर रहे हैं 9.5 मिलेंगे, एक विड्रॉ कर रहे हैं तो 0.95 मिलेंगे, 100 कर रहे हैं तो 95 मिलेंगे, 1000 कर रहे हैं तो 950 मिलेंगे। 5% जो है वो BFIC गोल्ड आपका डिडक्ट हो जाएगा जब आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट करेंगे। साथ गैस फीस लगेगी, जो माइनर गैस फीस है वो वाली। तो इस तरह से ये सिस्टम और ये प्रोसेस चलेगा। एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और इस उम्मीद पे कि शायद आपको थोड़ा सा इससे गाइड मिल सके। मैं अगर अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूं, ओके, हाँ शायद मुझे, लेकिन उससे पहले जी तो मुझे उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन जो है वो आपके पास आ रही होगी। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो चल रही है, आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये सबसे पहला स्टेप जो है ना, ये स्टेप आपको ये बताएगा कि आपने इसमें जो है वो वॉलेट कनेक्ट कर रहे हैं आप। यानी जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद पहली चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो होगा कि आपका जो है वो वॉलेट कनेक्ट करना है। ये सब समझ लें, सबको पता होना चाहिए कि जब आप एप्लीकेशन में खोलेंगे पहला काम जो है वो आपको वॉलेट कनेक्ट करना है। और आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे अपना, मैं इस पे मेटामास्क के साथ कनेक्ट कर रहा था, ये क्योंकि मैं जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर ही इसकी टेस्टिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो उसमें मैंने रिकॉर्ड किया, तो उस टाइम पे ये डेस्कटॉप पे चल रही थी। तो ये वॉलेट कनेक्ट हो चुका है और वॉलेट कनेक्ट होने के बाद उसने मैसेज दिया कि आपको सबसे पहले अपना स्टेकिंग प्रोफाइल क्रिएट करना है। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। तो आप अपना जो है वो फुल नेम बताएं, अपना यूजर नेम बताएं, अपना ईमेल एड्रेस बताएं। एक ईमेल एड्रेस एक यूजर के लिए होगा, जो यूजर नेम एक यूजर नेम ले लेगा, दूसरे के लिए वो यूजर नेम लेना कुछ पॉसिबल नहीं रहेगा। ये यूनिक आईडीज होती हैं। आप फोन नंबर जो है वो अपना एक बंदा एक ही फोन नंबर यूज कर सकता है। और जो रेफरल आईडी है, ये आपका स्पॉन्सर आपको रेफरल आईडी देगा। रेफरल आईडी के बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये रेफरल आईडी जो है वो इस तरह से होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल रेफरल आईडी है वो कोई भी हमारे भाई हैं संजय परदेसी जी हैं, तो वो लिखते हैं संजय परदेसी डैश लेफ्ट या डैश राइट, डैश एल या डैश आर। तो लेफ्ट और राइट का दो अलग अलग रेफरल कोड होंगे। तो जिन्होंने भी साइन अप करना है, जो आपके स्पॉन्सर ने भेज रखा है, तो उसकी प्लानिंग है, उसको फॉलो करना है आपने। तो जो उसने आपको लेफ्ट का भेजा है तो आप लेफ्ट के साथ साइन अप करेंगे, राइट का भेजा है तो आप राइट के साथ साइन अप करेंगे। और इसी में आप देख रहे हैं कि अगर आपने किसी की पर्टिकुलर पोजीशन लगानी हो, कि मैंने किसी की खास यानी क्योंकि जब दो लोगों को आप रेफर कर देते हैं तो तीसरा लोग अपना आप ट्री में नहीं लगा सकते, तो आपको कहीं नीचे प्लेस करते हैं। तो उस प्लेसमेंट के अंदर फिर आप जो है जहाँ प्लेस कर रहे हैं उसका भी आपको बताना पड़ेगा कि किसके नीचे प्लेस करना चाहते हैं। और साथ लेफ्ट और राइट चूज करते हैं आपके, उसके लेफ्ट पे या उसके राइट पे। तो ये एक फॉर्म है, इसको बल्कि फिल भी किया गया था शायद, हाँ फिल भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह आप फॉर्म फिल करेंगे। अपना यूजर नेम जो रखना चाहेंगे आप वो यूजर नेम रख लेंगे, अपना ईमेल एड्रेस जो ऐड करना चाहेंगे वो ईमेल एड्रेस आप रख लेंगे। इस तरह से जो फोन, ये टेस्टिंग वाली सारी चीजें हैं, डाटा टेस्टिंग वाला है। टेस्ट जब करी थी टीम तो उस वक्त मुझे मौका मिला, मैंने ये वीडियो क्रिएट कर लिया। फोन नंबर आप ऐड करेंगे, फोन नंबर वैलिड होना चाहिए, मतलब ये वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए। जो भी उसका, जब आप असल फोन नंबर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा फ्लैग आपका। और जो है वो अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे आप पहले, उसके बाद अपना फोन नंबर आप लिखेंगे तो वो वर्क करेगा आपके लिए। उसके बाद आपने रेफरल आईडी बता देना है, और रेफरल आईडी जो आपके स्पॉन्सर का आईडी था वो आपने लिख देना है। डैश के बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर डैश के बाद लिखा जाएगा कुछ आर या एल, एल लिखा गया है स्मॉल में, ठीक है। अब गोल्ड ए डैश एल, ये टेस्टिंग के अंदर उन्होंने लिखा और उसके बाद उन्होंने क्लिक कर दिया क्रिएट स्टेकिंग प्रोफाइल पे। जब क्रिएट स्टेकिंग प्रोफाइल किया गया तो आपने देखा ऊपर मैसेज आ गया कि आप एक क्यू में ऐड कर दिए गए, जो रजिस्ट्रेशन की क्यू है। यहाँ पे हम सबको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझनी है, और मेरा इस मीटिंग के अंदर ये बात करने का पर्पस भी ये था ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। लीडर्स हैं, अगर 5,000 लोग अभी सुन रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है कि ये बात 50,000 या 5 लाख तक चली जाएगी। जब आप स्टेकिंग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो क्योंकि सारी चीजें ब्लॉकचेन पर हो रही है, अगर ये एक सेंट्रलाइज सर्वर हो तो फिर एक सेकंड में 1 लाख रजिस्ट्रेशंस भी हो तो वो सेकंड में हो जाएंगी। लेकिन चूंकि आप एक सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम में है, डिसेंट्रलाइज का मतलब आप सबको पता ही है कि ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड है, आपकी हर चीज जो है वो रिकॉर्ड हो रही है और वो डिसेंट्रलाइज मोड में है। तो फिर क्या होगा कि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हर अकाउंट जो रजिस्ट्रेशन करेगा वो चंद सेकंड के लिए रजिस्ट्रेशन की क्यू में जाएगा। यानी अगर एक टाइम के ऊपर फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन की स्पीड है 200 यूजर पर सेकंड, तो एक सेकंड में अगर 400 यूजर ने कर लिया है तो